जी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम फेस की इनकोडिंग कैसे निकालते हैं और डाटा को कैसे लोड करते हैं डिफरेंट लिस्ट्स के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने डाटा लोड कर लिया, हम सपोज करेंगे हमने डाटा लोड कर लिया, वो भी हम करेंगे, और उसके बाद हम एक टेस्ट इमेज लेंगे। वो टेस्ट इमेज की जो इनकोडिंग होगी, वो जो हमारे पास ट्रेन डाटा पहले से लोड हमने किया था उसके साथ कंपेयर होगा। अगर तो वो आपस में मैच कर गया, उसके लिए हमने थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है, अगर तो उस क्राइटेरिया के ऊपर वो पूरा उतर गया तो इसका मतलब है वो आपस में मैच कर गए हैं, तो हमें एक नेम रिटर्न हो जाएगा कि ये फलां बंदा है। और इसको हम इमेज के ऊपर भी, इनपुट इमेज के ऊपर भी टेस्ट करेंगे और लाइव स्ट्रीम के ऊपर भी करेंगे, तो हम वीडियो के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसको हमने कैसे किया है। इसके अंदर जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं वो हमने इंस्टॉल कर इम्पोर्ट कर ली हैं पहले। इसके अंदर वही लाइब्रेरीज हैं, फेस रिकग्निशन है, OS है, CV2 है, इसी तरह हमने इनकोडिंग और नेम की लिस्ट बनाई हुई है, और जो हमारे पास आउटपुट में लाइव स्ट्रीम के अंदर नेम्स मिलेंगे, हर फ्रेम के ऊपर प्रिडिक्शन लेगा वो, हर फ्रेम के अंदर देखेगा कितने बंदे हैं और कौन कौन है, तो उसके लिए हमने नेम्स की एक, हमने फेस नेम्स के नाम से एक लिस्ट बनाई है। तो हमारा जो लोड डाटा का फंक्शन, ये वही फंक्शन है जो हमने पिछली वीडियो में देखा है। ये हमें दो चीज़ें दे रहा है, एक इनकोडिंग की लिस्ट कैलकुलेट करके दे रहा है और एक नेम की लिस्ट कैलकुलेट करके दे रहा है, जो कि हमारे पास %2 वाले फोल्डर के अंदर जितने भी इमेजेस पड़े हुए हैं ना, उनकी इनकोडिंग और उनके नेम्स की लिस्ट एक हमें मिल जाती है। ये हमें एज हम इसको कह सकते हैं ये ट्रेनिंग डाटा है। तो ये हमारे पास पहले रन होगा, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं इमेज के ऊपर पहले कैसे रन होता है। अभी हम इसको एज अ टेस्ट करने लगे हैं, तो हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है इमेज के नाम से। इसके अंदर क्या हो रहा है, हमने पाथ लिया हुआ है जिसके अंदर हम एक टेस्ट इमेज दे रहे हैं, उसको ये रीड करता है, इमेज को रीड करेगा ओपन सी वी के थ्रू, तो हमारे पास इमेज के अंदर जो रीड होने के बाद इमेज आ जाएगी वो आ जाएगी। उसके बाद इसको रीसाइज़ किया हमने, रीसाइज़ किया, उसके बाद हमारे पास जो फेस रिकग्निशन की लाइब्रेरी है उसको जो इमेज चाहिए होती है ना, वो कन्वर्ट चाहिए, BGR हमें नहीं चाहिए, RGB चाहिए, तो हम इसको पहले RGB में कन्वर्ट करेंगे, तो इस लाइन के थ्रू ये RGB में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्योंकि RGB में कन्वर्ट हो गया है, तो इसके ऊपर हमने इसकी फेस की लोकेशन देखनी है, टेस्ट इमेज के अंदर फेस किस जगह पर आ रहा है, तो उसके लिए हम जो हमारे पास कन्वर्टेड इमेज है वो हम फेस लोकेशन का एक फंक्शन है, फेस रिकग्निशन लाइब्रेरी का, उसको पास करेंगे, तो ये हमें उस फेस की लोकेशन बता देगा कि फेस किस जगह पर आ रहा है। उसके बाद हमने फेस की लोकेशन देख ली है, फेस की लोकेशन और जो इमेज है वो हम पास करेंगे फेस इनकोडिंग को, तो ये हमें उस टेस्ट इमेज की इनकोडिंग निकाल के दे देगा। ऑलराइट, तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ जाएंगी, फेस इनकोडिंग आ गई है टेस्ट इमेज की। उसके बाद हमने लोड डाटा का फंक्शन कॉल किया, तो ये हमें क्या करके देगा, जो ट्रेनिंग डाटा है ना उसकी जो इनकोडिंग की लिस्ट है और जो नेम्स की लिस्ट है, ये हमें लोड डाटा को कॉल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास ट्रेनिंग डाटा की जितनी भी ट्रेनिंग डाटा है उसकी इनकोडिंग्स भी पड़ी हैं हर इमेज की, और उसके अगेंस्ट जो नेम है हर इमेज का वो भी पड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस तरह से करना है कि जो हमारे पास टेस्ट इमेज की फेस इनकोडिंग्स आई हैं उनको हमने ट्रेन इमेज के अंदर जितनी भी इनकोडिंग्स हैं ना उनके साथ बारी बारी सबके साथ कंपेयर करेंगे, और हमने एक थ्रेशोल्ड सेट किया होगा उस क्राइटेरिया पर जो उन सी इनकोडिंग ट्रेनिंग डाटा में से निकलेगी वो उसके जो उसके के जो नाम है वो हमें एज अ लेबल रिटर्न हो जाएगा। तो हमने इसको फेस इनकोडिंग इन फेस इनकोडिंग्स किया है, तो इसके अंदर ये एक कंपैरिजन हो रहा है, फेस रिकग्निशन डॉट कंपेयर फेसिस के नाम से एक फंक्शन है कंपेयर फेसिस का। ये क्या करता है, जो हमारे पास इनकोडिंग्स है ना, ये इनकोडिंग की लिस्ट वो है जो हमें ऊपर से मिली थी, जो हमने लोड डाटा किया जितने भी इमेजेस है उनकी इनकोडिंग्स पड़ी हैं इसके अंदर, और जो फेस इनकोडिंग है ये वाली हमारे पास वो इनकोडिंग है जो हमने टेस्ट इमेज की निकाली है, तो ये इन दोनों को आपस में कंपेयर करेगा, अगर तो मैच कर जाता है तो हमें इधर एक ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में एक आंसर मिल जाएगा। ये 128 जो हमारे पास इनकोडिंग है ना सब के साथ कंपेयर करता है उसको, तो हमें जिस इंडेक्स पे ट्रू मिलेगा, अगर तो हमें ट्रू मिल जाता है इसका मतलब है फेस मैच कर गया ट्रेनिंग डाटा के साथ, तो उसके अगेंस्ट जो लेबल है वो हमें इधर रिटर्न हो जाएगा। इधर सबसे पहले वो एक इफ़ ट्रू इन मैचेस, मैचेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट आएंगे, 100 डिफरेंट ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आएगी, तो अगर उनमें एक भी ट्रू होता है तो इसका मतलब वो किसी न किसी इनकोडिंग के साथ मैच कर गया। तो किसके साथ मैच किया है, मैच डॉट इंडेक्स हमें बताएगा कि किस इंडेक्स के साथ मैच किया है, फिर हम उसके थ्रू उसका नेम गेट कर लेंगे और उसको फेस नेम्स की हमने जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर अपेंड कर देंगे,
तो हमारे पास उसके अगेंस्ट जो नाम होगा वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमने, क्योंकि इमेज को शो कराना है और उसके अगेंस्ट हमने फेस के अगेंस्ट एक रेक्टेंगल बनानी है जिसके ऊपर लिखा है उस बंदे का नाम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फेस की लोकेशन और जो फेस का नाम है वो हम एज अ फॉर लूप में करते हैं, और हम टॉप राइट लेफ्ट बॉटम जो हमारे पास रेक्टेंगल बननी है उसके जो वैल्यूज़ हैं वो हम उसको सेट कर लेते हैं। क्योंकि जब हम इमेज को रीड करते हैं तो वो स्केल नहीं हुई होती, तो उसको वापस 1/4 स्केल करने के लिए हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट को, राइट को, बॉटम को, टॉप को, ताकि वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस चले जाए। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया, अब रिक्टेंगल हमने ड्रॉ करनी है, तो रिक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए CV2 का हम इस्तेमाल करते हैं जी। CV2 के अंदर CV2.rectangle के नाम से एक फंक्शन है, उसके अंदर इमेज पास करते हैं और लेफ्ट टॉप राइट बॉटम के कॉम्बिनेशन के साथ हम पास कर देते हैं ये सब कुछ। और उसके बाद हमने ये इधर हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया फेस के अक्रॉस, और उसके बाद हमने जो लेबल प्रिंट कराना है वो हमने उसके लिए जो फॉन्ट यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया है जी, फॉन्ट ये फॉन्ट का नाम है ये हमने यूज़ किया। और पुट टेक्स्ट का फंक्शन क्या करता है, जो उस रेक्टेंगल बनती है उसके ऊपर जो नाम है ना वो पुट कर देता है। तो उसके बाद हमने इमेज जो है उसको शो करवा देते हैं, तो इसको हम रन करके देखते हैं कि ये किस तरह की आउटपुट हमें दे रहा है। अभी फ़िलहाल हम इमेज के लिए टेस्ट कर रहे हैं, मैंने दो फंक्शंस बनाए हुए हैं, एक इमेज के नाम से और एक वीडियो के नाम से, तो हम दोनों के ऊपर टेस्ट करेंगे। ये वीडियो वाला फंक्शन है और दूसरा जो फंक्शन है हमारा वो है जी इमेज वाला। तो हम इमेज वाला फंक्शन है उसको भी कॉल करके देखते हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक स्टूडेंट है, ये हम इसको एज अ फंक्शन बनाते हैं, तो इसको हम फंक्शन के अंदर के लिए इंडेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम इमेज के नाम से जो फंक्शन है इसको भी नीचे से कॉल करते हैं हम, ये क्या करेगा, ये इमेज वाले फंक्शन को रन करेगा, कॉल करेगा, उसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखी उनको रन करेगा और एंड पे हमें इमेज शो करवा देगा कि ये कौन सी इमेज है। तो हम इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को, इसने पहले डाटा लोड किया और उसके बाद इसने वो वाली टेस्ट इमेज थी उसके अगेंस्ट इसने इनकोडिंग निकाली, उसको जो हमारे पास लोड डाटा हमने किया था ट्रेनिंग डाटा उसके साथ कंपेयर किया, उसके अगेंस्ट हमें एक नाम मिला, वो नाम हमने उसने एक रिक्टेंगल ड्रॉ की फेस के अक्रॉस और उसके ऊपर वो उसने नाम प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सारा जितना भी हमारे पास जितने भी बच्चों का रिकॉर्ड है, जितने भी इंडिविजुअल्स का रिकॉर्ड है, वो हम एक पर्सन के नाम से फोल्डर है उसके अंदर उनकी नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से रख लेते हैं। उसके बाद कोड के अंदर हम उसको लोड कर लेते हैं, उनकी इनकोडिंग और उसका जो नाम वगैरह वो हम गेट करके एक लिस्ट में रख लेते हैं। उसके बाद हम एक टेस्ट इमेज लेते हैं, उसकी इनकोडिंग निकलती है और उसको ट्रेनिंग इमेजेस जो इनकोडिंग है उनके साथ कंपेयर करता है, उसके अगेंस्ट हमें एक नाम आता है वो हम डिस्प्ले करवा देते हैं। अब हम इसको देखते हैं, ये तो हमने इमेज के ऊपर रन कर लिया है, इसके बाद हम देखते हैं कि वीडियो के ऊपर या लाइव स्ट्रीम के ऊपर हम इसको कैसे रन करते हैं। तो अब हमने इसको लाइव स्ट्रीम पर रन करके देखते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे पास किस तरह से एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर कैसे हम फेस रिकग्निशन करते हैं। तो अब इसका कोड थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास वीडियो होती है ना, कॉम्बिनेशन फ्रेम्स होती है, तो बेसिकली हमारे पास मल्टीपल इमेजेस के ऊपर हर इमेज के ऊपर डिफरेंट प्रेडिक्शन ले रहे हैं, वीडियो ये होती है। तो इसमें हम वीडियो कैप्चर के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस वीडियो को रीड करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर फ्रेम बाय फ्रेम उसको रीड करते हैं जब तक कि हमारे पास जो हमने कैप बनाया था वीडियो कैप्चर का, जब तक वो ओपन रहेगा, जब तक लाइव स्ट्रीम आ रही है, जब तक वीडियो ख़त्म नहीं होती, तो ये तब तक वाइल लूप चलेगी और ये हमें फ्रेम उस वीडियो के अंदर से जितने भी फ्रेम है एक एक करके उसको रीड करेगा और उसको वैसे ही बाकी का सारा काम वैसे ही हमने रीसाइज़ किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको RGB में कन्वर्ट किया, उसकी लोकेशन निकाली,
लोकेशन निकालने के बाद हम उसकी इनकोडिंग निकाल लेंगे, इनकोडिंग निकालने के बाद जो लोड डाटा ट्रेनिंग डाटा है उसके साथ हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक नाम मिलेगा हमें, उस नाम को अब पहले तो हम एक इमेज के लिए कर रहे थे और एक ही नाम आना था, अब इसमें हमारे पास मल्टीपल फ्रेम्स हैं तो हम इसलिए हमने फेस नेम्स की लिस्ट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर हर फ्रेम में जो भी बंदा आएगा उसका नाम फेस नेम्स के अंदर अपेंड होता जाएगा। तो उसके साथ फिर हमने उसके अगेंस्ट रेक्टेंगल बना दिया। तो वीडियो लाइव स्ट्रीम के ऊपर ये इस तरह से वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा है कि हमारे पास एक टेस्ट इमेज और वीडियो लाइव स्ट्रीम के ऊपर ये हमारा फेस रिकग्निशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। एक हमने एक फेस रिकग्निशन सिस्टम बनाया जिसके अंदर हमने डाटा लोड किया मल्टीपल पर्सन्स का, उसके बाद टेस्ट इमेज और टेस्ट वीडियो के ऊपर हमने उसको चला कर देखा ये कैसे वर्क करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।